बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एमएस एक्सेल 2016, जिसमें हम स्प्रेडशीट्स, मूविंग द डाटा, स्टार्टिंग एमएस एक्सेल, कैलकुलेशंस करना, डाटा एंटर करना एक्सेल में, कैलकुलेटिंग यूजिंग ऑटो सम, कॉपिंग द डाटा और सेविंग ए वर्कबुक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, आपको इस पिक्चर में जो टेबल बनी हुई है इसको देखना है और उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर, रोज बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनसे बनती हैं, तो यहाँ पर 3 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं, ए बी सी डी जो लिखे हुए हैं 4 कॉलम्स हैं। विच सेल हैज द लोएस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू किसमें है बच्चों, 35 है, सेल होता है इसका 3D, थर्ड रो में डी कॉलम में, तो 3D इसका सेल नंबर हो गया। विच सेल हैज द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है बच्चों इसमें, 350 जो कि 3C सेल का नंबर है, और वो दो सेल को कलर करना है जिनकी सेम वैल्यू है, तो आप 3A और 3B को कलर करेंगे। तो बच्चों टेबुलर फॉर्म में, टेबल में आप देखते हैं कि कोई लिस्ट है, एक शीट जिसमें कि रोज और कॉलम में डाटा होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, जैसे बिल है, मार्कशीट्स हैं, क्रिकेट स्कोर बोर्ड है, तो ये सभी स्प्रेडशीट्स में बने होते हैं। स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट एक बड़ी सी शीट है जिसमें कि डाटा और इंफॉर्मेशन होती है और जो कि रोज और कॉलम में अरेंज होती है, इसको वर्कशीट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें कि न्यूमेरिक कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, इसमें हम डाटा को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी इंसर्ट कर सकते हैं और सिर्फ एक बार फॉर्मूला एंटर करते हैं और कैलकुलेशंस फिर ऑटोमेटिकली अपने आप डाटा एंटर करने पर होती चली जाती हैं। अब हम सीखते हैं स्टार्टिंग एमएस एक्सेल, किस तरह से एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विंडोज आ जाती है। तो आइए एमएस एक्सेल 2016 के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले टाइटल बार, तो टाइटल बार जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में स्क्रीन के सबसे ऊपर में होता है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम करंटली खुला हुआ होता है उसका नाम लिखा होता है और इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के बटन्स भी होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद वर्कबुक एंड वर्कशीट, तो बच्चों एक्सेल में वर्कशीट वो एरिया होता है जहाँ पर हम सारा काम करते हैं, इसमें हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो जब इंडिविजुअल वर्कशीट्स को कंबाइन किया जाता है एक साथ तो उनको वर्कबुक बोला जाता है। और वर्कशीट जो है उसमें रोज और कॉलम में ग्रिड होते हैं, इसमें 1,48,576 रो और 16,384 कॉलम्स होते हैं। रोज हेडर जो होते हैं वो 1, 2, 3 से लिखे होते हैं और कॉलम हेडर ABCD से लिखे होते हैं। नेम बॉक्स होता है जिसमें कि एक्टिव सेल का नाम होता है, फॉर्मूला बार होता है जिसमें कि कंटेंट में आप फॉर्मूला को देख सकते हैं, शीट टैब होता है, स्टेटस बार होता है और सेल होता है। सेल रेफरेंस होता है, तो रो और कॉलम का जो हेडिंग होता है वो मिलकर के सेल एड्रेस बनाते हैं जिसे कि सेल रेफरेंस भी बोलते हैं। सेल पॉइंटर होता है जिससे हमारी करंट सेल जो एक्टिव है उसके बारे में पता चलता है। रेंज ऑफ सेल होती है जो कई सारे सेल का एक ब्लॉक होता है जो कि रेक्टेंगुलर एरिया में जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब हम एंटरिंग डाटा इन एक्सेल, इस तरह से हम डाटा एंटर करते हैं एक्सेल में, उसके लिए बच्चों 3 तरह के डाटा एंटर किए जाते हैं, नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूला। तो शीट एरिया होता है वो एरिया है जहाँ पर हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। वर्टिकल बार जो फ्लैश होता है इंसर्शन पॉइंट, उससे वो लोकेशन रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर हमारा डाटा एंटर के बाद टाइप होगा, टाइप करेंगे तो उसके बाद वहां पे दिखाई देगा। डाटा एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले जिस सेल में हमें डाटा एंटर करना है उसको एक्टिव करना होगा, वहां पर क्लिक करेंगे और वहां पर अपना डाटा टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो हमारा डाटा वहां पर आ जाएगा। कॉपिंग द डाटा, बच्चों कॉपिंग द डाटा मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भी डाटा को सेम कॉपी पहुंचाना, उसके लिए रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करेंगे जो हमें कॉपी करना है और उसके बाद उस होम टैब पर जाकर कॉपी का बटन क्लिक करेंगे और फिर जिस सेल में जाकर पेस्ट करना है वहां पर हम उसको ले जाकर पेस्ट का बटन क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा नए लोकेशन पर पेस्ट हो जाएगा। अब मूविंग द डाटा, अगर हम डाटा को मूव करना चाहते हैं यानी कि ओरिजिनल लोकेशन से हटाकर नई लोकेशन पर शिफ्ट करना चाहते हैं
उसके लिए हमें डाटा को पहले जिस डाटा को हमें मूव करना है उसको अगर रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करनी है तो A1 से A5 जैसे यहाँ पर रेंज ली तो उसको सेलेक्ट करेंगे जिस डाटा को हम पेस्ट करना चाहते हैं। फिर होम टैब पर जाकर कट का बटन क्लिक करेंगे तो वो सेल हमारा उतना एरिया हमारा जो हमने सेलेक्ट किया वो कट हो जाएगा और जिस लोकेशन पर हम जाकर पेस्ट करना चाहते हैं उस पर जाकर उसको पेस्ट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा ओरिजिनल पोजीशन से हटकर नई लोकेशन पे मूव हो जाएगा। कैलकुलेटिंग सम यूजिंग ऑटो सम फंक्शन, तो बच्चों ऑटो सम ऑप्शन होता है जिससे कि जल्दी से हम कोई भी कैलकुलेशन जो है रेंज ऑफ डाटा को हम एडिट सम कर सकते हैं। उसके लिए सेल E2 पर क्लिक करके ऑटो सम ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर रेंज को सेलेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पर B2 से D2 तक की गई है, फिर एंटर टी प्रेस करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो E2 में उसका कैलकुलेशन होके आ जाए। सेविंग ए वर्कबुक, बच्चों वर्कबुक सेव करने के लिए जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम उसे सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके लिए सबसे पहले फाइल में क्लिक करके सेव एज ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर लेफ्ट पेन में से जो फाइल जिस लोकेशन पर हम फाइल सेव करना चाहते हैं वहां पर जाकर फाइल नेम टाइप करके सेव का बटन क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल उस लोकेशन पर उस नाम से सेव हो जाएगी। थैंक यू।